नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभि आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन लगातार एक दूसरे पर जुबानी जंग करने का सिलसिला अभी तक नहीं खत्म हुआ। चाहे मुद्दा कोई भी हो, विपक्ष एक मजबूती के साथ खड़ा है और लगातार नीतीश सरकार को घेरते नजर आ रहा है। चाहे हम बात करें बिहार में बढ़ते हुए अपराध की या फिर किसानों की, हर मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेरते नजर आ रहा है। इसी कड़ी में अगर हम बात करें आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की, तो लगातार उनकी तरफ से आपराधिक घटनाओं का तो जिक्र किया ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ आज उन्होंने किसानों को लेकर एक ट्वीट किया है जिसमें ये साफ तौर पर कह दिया है कि भाजपा सरकार जो है वो पूंजीपतियों की दलाल है और नीतीश सरकार भी उनके अधीन है। इसीलिए किसानों को वो अपना मोहताज बना चुके हैं और वो आंदोलन तो क्या, अपनी आवाज तक किसान नहीं उठा सकते। इसके साथ साथ उन्होंने बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह की एक वीडियो शेयर की है जिसमें ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अमरेंद्र प्रताप सिंह किसान आंदोलन को लेकर ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं, किसान किसी भी परेशानी में नहीं है। आप देख लीजिए कहां पर आंदोलन हो रहा है, दिल्ली और हरियाणा में। इसके साथ साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह पहले क्या कुछ कह रहे हैं आप वो सुन लीजिए। आंदोलन जहां कर रहे हैं वहां कर रहे हैं, किसान वहां केवल ये दिल्ली के बॉर्डर पर है, हरियाणा के बॉर्डर पर है। इस देश में 5.5 लाख गांव है, किस गांव का किसान आंदोलन कर रहा है? यहाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं क्या? कौन चीज किसान आंदोलन आप लोग बोलते हैं, हमको ये बात समझ में नहीं आती। 5.5 लाख गांव में किसान को कोई मतलब नहीं है और सभी कहते हैं कि नहीं, जो कृषि कानून बना है हमारे हक में है, तो वो मुट्ठी भर दलाल लोग वहां किसान बन के आंदोलन कर रहे हैं। उनकी आप इतना उनका नोटिस लेते हैं और इतनी आप उनकी चिंता करते हैं? किसान का आंदोलन होता तो सारे भारत में आग लगी होती, सारे भारत में किसान खड़े होते, गांव गांव में किसान है, 5.5 लाख गांवों में किसान है। ये किसान आंदोलन नहीं है, ये दलालों का आंदोलन है। किसानों को खेती करने का, अपना उपज भेजने की आजादी मिली है, इस कानून से उनको राहत मिली है, इसलिए देश का अधिसंख्य और बहुमत किसान, करीब करीब 70% किसान खुश हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताते चले कि राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जो ट्वीट किया गया है उसमें क्या लिखा है। पूंजीपतियों की दलाल भाजपा और नीतीश सरकार बिहार के किसानों को इतना कमजोर, इतना मोहताज बना चुकी है कि आवाज उठाने की ताकत नहीं बची है। आंदोलन तो दूर की बात है, पर इस लाचारी को सरकार में बैठे मुंगेरी लाल खुशहाली बता रहे हैं और खुशहाल मजबूत किसानों को दलाल बेहयाई की भी सीमा होती है। तो साफ तौर पर राजद ने किसानों को लेकर एक बार फिर से नीतीश कुमार को घेरा है और ये कह दिया है कि ये पूरी तरीके से पूंजीपतियों की दलाल वाली सरकार है और देखिए किस तरीके से किसान जो बेहाल हैं, उनके डर से वो उनके मोहताज बन चुके हैं, वो आवाज़ तक नहीं उठा पाते और आंदोलन तो दूर की बात है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि राजद की ओर से आज एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है। हाल ही में जब तेजस्वी यादव अपने पिता से मिलने गए थे तो उस दौरान जब वो बाहर निकले, मीडिया कर्मियों से उन्होंने बातचीत की, तो उस दौरान भी उन्होंने किसानों को लेकर कई सारी बातें कही थी और ये तक कहा था कि इस काले कानून के खिलाफ हम हमेशा किसानों के साथ खड़े हैं। तो लगातार किसानों को मुद्दे को लेकर भी विपक्ष जो है वो एक्टिव है, निशानी साध रही है और एक बार फिर से उन्होंने नीतीश सरकार को बेहया सरकार बता दिया है और ये तक कह दिया है कि जिस सरकार में किसान ही खुशहाल नहीं, वहां पर मुंगेरी लाल बैठकर उन्हें खुशहाली बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से वो क्या कहते नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह का वीडियो भी शेयर किया है ताकि उनकी जो आवाज़ है वो जनता तक पहुंचाई जा सके कि देखिए किसानों को लेकर बिहार सरकार क्या कुछ सोचती है। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।